हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द ब्लैक रूम। ये अंडररेटेड हॉरर मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 3.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरे 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घर देखने को मिलता है जिस घर की मालकिन का नाम मार्गो ब्लैक होता है, जो उस वक्त बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। और वैसे तो वो उस घर में अकेले ही रहा करती थी, लेकिन उस समय उसकी पोती डॉन ब्लैक उसके घर में रहने के लिए आई हुई होती है कुछ समय तक के लिए। जिसके बाद हमें उस घर का बेसमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर उस वक्त फर्नेस के पाइपलाइन में हम कुछ हलचल देख पाते हैं। और सडनली वो फर्नेस से अटैच्ड पाइप अचानक से खुल जाता है और उसके अंदर से स्मोक जैसी कोई चीज निकल के डॉन के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। और उस वक्त उन आवाजों से मार्गोट की भी नींद खुल जाती है और वो तब उस चीज को धमकाने लगती है कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा और वो उसे कभी फीड नहीं करने वाली और ना ही वो उसे उसके इरादों में कभी कामयाब होने देगी। और शायद मार्गोट ने ही उस इनविजिबल पावर को उस कमरे में कैद करके रखा था, इसलिए तो वो उसे धमकी दे रही थी। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि वो चीज बाहर आ गई थी। और तभी वो इनविजिबल पावर उसे बिस्तर पर पटक देती है और उसे हिलने भी नहीं देती, ताकि वो अपनी पोती डॉन के कमरे तक ना पहुंच पाए। और यहाँ डॉन के कमरे में जैसे ही वो इनविजिबल पावर पहुंचती है, वो उसे बुरी तरह से सीड्यूस करने लगती है और उसके साथ में हम बिस्तर होने की कोशिश करती है। और डॉन उस एंटिटी को नींद में एंजॉय भी कर रही होती है, लेकिन तभी मार्गोट एक नजर रक्षा यंत्र के साथ डॉन के कमरे में आकर दाखिल हो जाती है। और डॉन को उस नग्न अवस्था में देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उस एंटिटी की बुरी नजर अब डॉन पर पड़ चुकी है और शायद वो डॉन को अब छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए मार्गोट तब डॉन की जान बचाने के लिए खुद को उस डीमन के हवाले करने के लिए जाती है बेसमेंट के उस ब्लैक रूम के अंदर, जिसके बाद वो नजर रक्षा यंत्र वहीं पर गिर पड़ता है उसके हाथ से। और डॉन जब अपनी दादी को ढूंढते हुए आती है उस कमरे में, तब उसे वहां पर अपने दादी वाला नजर रक्षा यंत्र मिल जाता है। और वो तब कुछ आवाजें वहां पर सुनने लगती है और सोचती है कि शायद दीवार के उस पार उसकी दादी है। लेकिन तभी दीवार के उस पार से कुछ डिमोनिक हाथ उसे धर दबोचते हैं और उसे वापस से सेड्यूस करके उसे उठा ले जाते हैं। लेकिन वो तभी किसी तरह से वापस आकर उस नजर रक्षा यंत्र को उठा लेती है और तब वो बुरी ताकतें डॉन को झटके से दीवार के उस पार फेंक देती हैं। और तब वो यंत्र अपने आप ही एक्टिवेट होकर हवा में उड़ने लगता है। और तब डॉन जैसे ही ब्लैक रूम के दरवाजे को बंद करके भागने की कोशिश करती है, वो यंत्र अपने आप ही ब्लैक रूम के दरवाजे पर चिपक जाता है और वो डीमन वहीं पर कैद होकर रह जाता है। इसलिए वो डीमन तब गुस्से से अपने पावर से फर्नेस की आग को भड़का देता है, जिसमें डॉन पूरी तरह से झुलस जाती है। और इसके बाद वो बचती है या नहीं, ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जहां पर हम मोनिका नाम की एक लेडी को देख पाते हैं, जो सक्सेसफुली वो घर मूवी की लीड कैरेक्टर जेनिफर और पॉल को बेच चुकी थी। जेनिफर और पॉल की रिसेंटली शादी हुई थी और उन दोनों ने मिलकर अपना ड्रीम होम खरीदा था उसके इतिहास को जाने बगैर। और मोनिका को भी उस घर के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि इस घर के बेसमेंट में एक्सीडेंटली आग लगने की वजह से इस घर की मालकिन ने इसे छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस घर में एंटर होते हैं, वहाँ बेसमेंट से वापस से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो दोनों बिल्कुल से डर जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं बेसमेंट में, वहाँ उन्हें बेसमेंट में एक रिपेयरमैन दिखाई देता है जो उस फर्नेस को रिपेयर करने के लिए आया हुआ था। और तब जाकर उन दोनों के जान में जान आती है। लेकिन उस फर्नेस को ठीक करने के लिए उस पाइपलाइन को चेक करना था और वो पाइपलाइन ब्लैक रूम से कनेक्टेड था, इसलिए वो रिपेयरमैन उस ब्लैक रूम को खोलने की कोशिश करने लगता है। और इस कोशिश की वजह से वो नजर रक्षा यंत्र दरवाजे से डिटैच होकर गिर पड़ता है। बाद वो डीमंस उसी वक्त उस रिपेयरमैन को अपना शिकार बना लेते हैं और उसे बिल्कुल से गायब भी कर देते हैं। जिसके बाद हम जेनिफर और पॉल को देखते हैं। जेनिफर थक गई थी, इसलिए वो नहाने चली जाती है और पॉल बेड पर उसका इंतजार करने लगता है, क्योंकि वो दोनों काफी रोमांटिक मूड में थे। और तभी वही इनविजिबल पावर आकर जेनिफर को बाथटब में सेड्यूस करने लगता है और पॉल को बेड पर। और वो दोनों तभी समझ ही नहीं पाते कि ये सब कर कौन रहा है। और पॉल तो पूरी तरह से श्योर था कि वो काम तो जेनिफर ने ही किया था। और जेनिफर जब उसके साथ में रोमांटिक होने की कोशिश करती है, तब पॉल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा थक गया है। और दोनों तब गुस्से गुस्से में सो जाते हैं। और दूसरी सुबह जब पॉल जॉगिंग के लिए जाता है, वो एक हॉवर्ड नाम के पड़ोसी से दोस्ती कर लेता है, जो उसे जेनिफर को मनाने के लिए कुछ आइडियाज देता है। और यहाँ घर पर जेनिफर जब बेसमेंट में लॉन्ड्रिंग कर रही होती है,
तब पूरे समय वो एंटिटी रिपेयरमैन के रूप में जेनिफर के पीछे पड़ा रहता है। और तभी पॉल घर पर आकर पहुंच जाता है और वो जेनिफर के लिए फ्लावर्स लाया था, जिस वजह से जेनिफर खुश हो जाती है। और तब पॉल और उसके बीच में सब कुछ ठीक ही होने वाला होता है कि जेनिफर की छोटी बहन कैरन उसके घर आकर पहुंच जाती है। और तब उन लोगों को अपना रोमांटिक प्लान चेंज करना पड़ता है। और हम कैरन के बिहेवियर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैरन जेनिफर को पॉल के साथ में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और इसलिए पॉल भी उसे पसंद नहीं करता था। जेनिफर जैसे ही कैरन को उसका कमरा दिखाने के लिए लेकर जाती है, पॉल बेसमेंट में कुछ आवाजें सुनकर वहाँ पर चेकआउट करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो ब्लैक रूम अचानक से खुला हुआ पाता है, तब वो उसके अंदर एंटर होकर देखने की कोशिश करता है। और तब उसके एंटर होते ही दीवारों पर बने कुछ डिमोनिक कल सिंबल्स अपने आप ही ग्लो करने लगते हैं, जो देखते ही पॉल डर जाता है। और वो वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और तब पॉल के सामने कुछ मरे हुए लोगों की आत्माएं हाजिर हो जाती है। उस वक्त वहां पर मार्गरेट भी मौजूद थी, और वो सब तब कहने लगते हैं कि उन्हें पॉल की जरूरत है, जिसके बाद कुछ शक्तियाँ पॉल को पूरी तरह से पजेस कर लेती है। जिसके बाद जब वो कमरे से बाहर जाता है, वो पूरी तरह से बदल चुका था और वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगा था। और यहाँ कैरन जेनिफर की हॉन्टिंग स्टोरी सुनने के बाद उस बेसमेंट की, वो उसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक नेकलेस दे देती है, क्योंकि कैरन ऑकल्टिज्म वगैरह में स्टडीज कर रही होती है। इसके बाद वो तीनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर पहुँचते ही पॉल बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगता है। और वो जब एक खूबसूरत सी वेट्रेस को देखता है, वो उसके साथ में बहुत ही ज्यादा ठरकी बिहेव करने लगता है और उसके साथ में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी भी करता है। तब कैरन उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है, और जेनिफर को भी पॉल के इन गंदी करतूतों का अंदाजा हो गया था। तब तीनों का जब टेबल मिल जाता है डिनर करने के लिए, तब जेनिफर कैरन के स्टडीज के बारे में पूछने लगती है। तब कैरन कहती है कि तुम लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन पॉल कहने लगता है कि उसे ऐसे चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे मार्गरेट ब्लैक की हिस्टोरी ले लो, जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी, और इस चीज को उसने अपने हस्बैंड और बच्चों से भी छुपा कर रखा पूरी जिंदगी। तब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम 17 साल की यंग मार्गरेट ब्लैक को देख पाते हैं, जिसने अपने घर पर एक पार्टी रखी हुई थी, जहां पर सभी गेस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने कुछ मैजिशियंस को बुलाया था बिना मार्गरेट के परमिशन के। तब मार्गरेट उन्हें देखते ही उन्हें डांटने लगती है कि तुम लोग ये दीवारों पे पेंटिंग्स क्यों बना रहे हो, इन्हें तुम्हें ही साफ करना होगा। और ये सारी ड्राइंग्स कोई पेंटिंग्स नहीं थी, बल्कि कर्ल सिंबल्स थे, जो डीमन को समन करने के लिए था। और जमीन पर एक स्नेक का सिंबल बनाया गया था सर्कल के अंदर, सिर्फ मार्गरेट के लिए। तब जैसे ही मार्गरेट उस सर्कल में एंटर होती है, वो सारे ही कल्ट मेंबर्स जिसे सब मैजिशियन समझ रहे थे, वो कुछ स्पेल्स बोलने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद ही मार्गरेट बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। और तब उसके पैर में पहले एक स्नेक आकर लिपट जाता है, जो तुरंत ही एक भयानक डीमन में बदल जाता है और मार्गरेट को सीड्यूस करने लगता है। तब मार्गरेट इस चीज को सहन नहीं कर पाती और वो तुरंत उस सर्कल से बाहर भाग जाती है, जिसके लिए वो कल्ट मेंबर्स मार्गरेट को सेरेमनी के रूल्स तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं, क्योंकि जिस इंसान के लिए उस डीमन को समन किया गया था, अगर वो उस सर्कल से बाहर भाग गया तो वो डीमन भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाएगा, और इसके बाद तो वापस उस डीमन को भेज पाना नामुमकिन था। तब डीमन बाहर आते ही सबको बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और वो एक तरफ से सबको खत्म कर डालता है। और जब वो मार्गरेट को मारने के लिए जाता है, तब दीवार पर लगे नजर रक्षा यंत्र को देखकर वो अपने कदम पीछे खींचने लगता है, जब मार्गरेट भी नोटिस कर लेती है। और तब वो उसी यंत्र के सहारे डीमन को ब्लैक रूम में कैद करने में कामयाब हो जाती है। और इस स्टोरी में मार्गरेट के इन दोस्तों का मजाक उन सब पर भारी पड़ चुका था, क्योंकि उन लोगों ने सिंगल मार्गरेट को सेड्यूस करवाने के लिए उस डीमन को समन करवाया था। जिसके बाद प्रेजेंट में कैन स्टोरी को सुनने के बाद कहती है कि इस डीमन का नाम इनक्यूबस है, द डीमन ऑफ लस्ट एंड डिजायर, जो रात में आकर बिस्तर पर औरतों को सेड्यूस करता है सोते वक्त, जो उस वक्त पॉल पर सवार था, इसलिए वो हर औरत को बुरी नजर से देख रहा होता है। और जैसे ही वापस से वो वेट्रेस उसे नजर आ जाती है, पॉल तब कैरन से कहने लगता है कि जो पावरफुल इनक्यूबस डीमन रहते हैं ना, वो इस चीज को कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। तब पॉल जितनी बार भी कॉफी में उंगलियां डुबाता रहता, वहां वो वेट्रेस सेड्यूस हो रही थी, जो संभालना उसकी बस की बात नहीं थी। और तब उसके स्टाफ के कुछ मेंबर्स आकर उसे वहां से उठाकर लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो सब घर वापस लौट कर आते हैं। और कैरन तब जेनिफर से पॉल की कंप्लेंट करती है कि पॉल रेस्टोरेंट में कितना ठरकी बिहेव कर रहा था, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। और यहां दूसरी ओर पॉल वापस से बेसमेंट में जाता है और वहां पर कुछ डिमोनिक फिगर्स के साथ में इंटीमेट होकर आता है कैरन के रूम में। तब जेनिफर पॉल को जब अपने साथ में लेकर जाती है, तब पॉल उसके सामने कैरन के साथ में मिलकर थ्रीसम के लिए इच्छा जाहिर करता है, जो सुनते ही जेनिफर बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और पॉल को सजा देने के लिए उसे कमरे से बाहर भगा देती है।
जिसके बाद तो पॉल आराम से पहुंच जाता है कैरन के पास और उसके सामने अपने कपड़े उतार देता है उसे सीड्यूस करने के लिए। लेकिन कैरन को जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तब वो डीमन अपना असली रंग दिखाता है और अपने टेल के जरिए कैरन के बॉडी में एंटर हो जाता है नीचे से और अपने टेल को उसके मुंह से बाहर निकाल कर उसकी पूरी बॉडी को चीर कर उसे मार डालता है। और कैरन की चीखें कभी जेनिफर तक पहुंच ही नहीं पाती। और सुबह जब कैरन जेनिफर को नहीं मिलती तब पॉल उसे बताता है कि कैरन अर्जेंटली वापस लौट गई है और कुछ समय बाद लौटेगी। और तभी उनके घर पर प्लम्बर वॉशिंग मशीन वगैरह रिपेयर करने के लिए पहुंच जाता है। तब उसे देखते ही कैरन के रूप में वो एंटिटी उसे सीड्यूस करने लगती है और वो तुरंत ही अपने असली रूप में आकर उसे मार भी डालती है क्योंकि अब कैरन भी उस डीमन के स्लेव बन चुकी थी क्योंकि ये डीमंस इंसानों को मारकर उन्हें अपना स्लेव बना लेते हैं। जिसके बाद जब पॉल घर से बाहर निकलता है हॉवर्ड उसे मिल जाता है और पॉल तब उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसे अपने घर पर बुलाता है उसकी वाइफ के साथ में सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ जेनिफर लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी इनक्यूबस डीमन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। उसकी मुलाकात एक नकाबपोश लेडी से हो जाती है जो उसे फॉलो कर रही थी पूरे समय और ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है जिसका नाम था डॉन ब्लैक। और उस रात वो उस हादसे से बच गई थी लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था और वो उस वक्त वहाँ पर आई थी जेनिफर को वार्न करने के लिए कि वो लोग उस घर को छोड़कर चले जाए क्योंकि वहाँ पर रहने वाला वो डीमन उन सबको सेड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेजर से ट्रिक करेगा और फिर उनके सोल और बॉडी को उनसे छीन लेगा। और यही कहकर वो वहाँ से निकल लेती है पर जेनिफर को अब भी पूरी तरह से उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो अब भी उस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। तब जैसे ही वो घर पहुंचती है पॉल उसे बेसमेंट में मिलता है और वो उससे सारी बातें बताने लगती है। तब पॉल उसे भड़काने की कोशिश करता है कि डॉन झूठ बोल रही है क्योंकि यहाँ पर उसकी बुरी यादें हैं और वो चाहती है कि वो लोग घर छोड़कर चले जाए। तब वो तुरंत ही जेनिफर को अपने बातों से मना लेता है लेकिन जेनिफर तब भी शांत नहीं बैठती और वो उस ब्लैक रूम के बारे में पता करने के लिए मोनिका को फोन करने लगती है लेकिन पॉल फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि उनकी बात ना हो पाए। और तभी उनके यहाँ आकर पहुंच जाते हैं पॉल द्वारा इन्वाइटेड हॉवर्ड और उसकी वाइफ स्टेसी सेलिब्रेशन के लिए जिन्हें देखकर जेनिफर सरप्राइज्ड हो जाती है। और जैसे ही जेनिफर स्टेसी को लेकर जाती है अपना कमरा दिखाने के लिए यहाँ पॉल हॉवर्ड को धोखे से लेकर चला जाता है बेसमेंट में और उसे उन एंटिटीज के हवाले कर देता है। जिसके बाद हम जेनिफर और स्टेसी को देख पाते हैं और जेनिफर कमरे में पहुंचने के बाद जैसे ही देखती है कि फोन ठीक हो गया है वो मोनिका से प्राइवेटली बात करने के लिए स्टेसी को कमरे से बाहर भेज देती है। और बाहर जाते ही स्टेसी पॉल का शिकार बन जाती है जो स्टेसी को उन एंटिटीज के हवाले कर देता है। और तब फोन पर बात करने के बाद जब जेनिफर स्टेसी को ढूंढते हुए आती है पॉल उसे बताता है कि हॉवर्ड और स्टेसी में झगड़ा हो गया है और वो दोनों ही भाग गए हैं। तब जेनिफर जैसे ही पॉल से बताती है कि उसने मोनिका को फोन करा था पॉल को झटका लग जाता है। तब पॉल समझ जाता है कि जेनिफर सब कुछ जान चुकी है और अब छिपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तब वो जेनिफर को अपने पीछे लाने के लिए वहां से बेसमेंट की ओर भाग जाता है ताकि जेनिफर भी पॉल के पीछे पीछे उस ब्लैक रूम में अंदर दाखिल हो जाए। और तब जैसे ही जेनिफर कमरे में एंटर होती है वो देखती है कि पूरा कमरा खूनसा लाल है और एक तरह से वो कमरा प्रीत कर रहा था और ये कारीगरी उस डीमन ने की होती है जो 2.5 सालों से एक प्लानिंग कर रहा होता है खुद को इमोर्टल बनाने के लिए और उसके लिए उसने इंसानों के फिजिकल पावर्स और सेक्सुअल डिजायर का इस्तेमाल किया था अपने एक नए अवतार को जन्म देने के लिए। और उसने इसके लिए एक तरह से एक सेटअप तैयार करके रखा हुआ था जहां पर उसे गर्भ में रहना था और जिसकी डिलीवरी बस होने ही वाली थी। और क्योंकि उस काम को वो डीमन अकेले ही अंजाम नहीं दे सकता था तब इसीलिए उसने पॉल को अपने पावर से पोजेस कर लिया ताकि वो पॉल के ही जरिए अपने उस नए अवतार के लिए शिकार ला सके जिनके एनर्जीज को सक करके वो डीमन मजबूत हो रहा था उस गर्भ को एक पाइपलाइन से कनेक्ट करके उनके नेवल के जरिए। और हम देख पाते हैं कि बाकी सब तो मारे जा चुके थे लेकिन मैगी को उस डीमन ने अब तक जिंदा रखा था अपने इटर्निटी के लिए। तब जैसे ही वो डीमन डरी हुई जेनिफर को ये सब कुछ समझा कर खत्म करता है वो एक अलग पाइप से पॉल के शरीर को भी कनेक्ट कर देता है उस डीमन का चारा बनाने के लिए और वो तब उसके शरीर को छोड़ देता है क्योंकि अब वो शरीर उस डीमन के किसी काम का नहीं रहा। लेकिन सही समय पर मैगी हरकत में आ जाती है और वो तब पॉल को पीछे से दबोच लेती ताकि जेनिफर उससे कनेक्टेड पाइप को डिस्कनेक्ट कर सके और पॉल की जान बच जाए। तब जेनिफर उस पाइपलाइन को दांत से काट कर उस पाइपलाइन को डिस्कनेक्ट कर देती है और पॉल की तब जान बच जाती है और बस तभी वो नया डीमन बस जन्म लेने ही वाला होता है। तब जेनिफर और पॉल किसी तरह वहां से निकल ही रहे होते हैं लेकिन वो डीमन उनके रास्ते में तमाम अड़चने पैदा कर रहा होता है, इसलिए जेनिफर तब अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ और उस यंत्र को लेकर उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है और वो तब वहाँ पहुँच चुकी थी लेकिन दरवाजा ही नहीं खुलता और वो डीमन तब तक उनके पास पहुँच जाता है अपने स्किन को शेड करते हुए।
जो धीरे धीरे बदल चुकी थी एक खूबसूरत महिला के रूप में, जिसे सक्यूबस कहकर भी संबोधित किया जाता है, और अब इसके प्रकोप से पुरुष भी नहीं सेफ रह पाएंगे। और तब वो आते ही अपने पावर से जेनिफर और पॉल को मुक्त कर लेती है, लेकिन क्योंकि वो डीमन बाहर से इंसान और अंदर से शैतान था, जेनिफर इस चीज का फायदा उठाती है और उस डीमन के पेट में नाइफ को स्टैप करके उसे उसी वक्त खत्म कर डालती है, और वो उस यंत्र से उस डीमनस को वापस से ब्लैक रूम में कैद करने में कामयाब हो जाती है, और तब जाकर उनकी जान बच पाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्तों बाद, जहां पर हम जेनिफर और पॉल को वापस से देख पाते हैं, जो अपने लाइफ को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे होते हैं उन यादों को भुला कर। लेकिन उस इंसिडेंट से उन दोनों की ही जिंदगी बदल चुकी थी। पॉल डिफॉर्मिटी का शिकार हो चुका था, और जेनिफर की आंखों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डीमनस अब जेनिफर के ऊपर हावी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखें भी उस डीमनस की तरह ही ग्लो कर रही होती है पॉल के साथ इंटीमेट होने के दौरान, जिसका मतलब ये हुआ कि जेनिफर अब मर्दों का शिकार करेगी, और अब यह सिलसिला शायद कभी रुकने वाला ही नहीं था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी इनक्यूबस डीमन पर बेस्ड है, जो मे बी एक मिथ है, लेकिन साइंस इसे एक तरह से बीमारी घोषित कर चुकी है। मतलब कि स्लीप पैरालिसिस में जो कुछ भी होता है, वही वाली फीलिंग्स इनक्यूबस डीमन देता है। इनक्यूबस डीमन मेल फॉर्म है डीमन का, जो सोते हुए महिलाओं को सेड्यूस करता है, और सक्यूबस फीमेल फॉर्म है डीमन का, जो सोते समय आदमियों को सेड्यूस करती है। उनके साथ इंटरकोर्स से जो बच्चा हासिल होता है, उसे कैम्बियन कहकर संबोधित किया जाता है, जो हाइब्रिड किड आधे इंसान और आधे डीमन होते हैं, जो काफी ज्यादा अगली दिखते हैं। और कहा जाता है कि कभी कभार इनक्यूबस खुद को अमर करने के लिए भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्टिकल्स को इकट्ठा करके सालों तक खुद को गर्भ में रखकर खुद को ह्यूमन फॉर्म या फिर यूं कहें सक्यूबस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और इनक्यूबस जिन्हें पोजेस कर लेता है, वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर डिफॉर्मिटी का शिकार बन जाते हैं, जैसे कि पॉल बन चुका था। तो इसी के साथ हम अपने मूवी एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।